हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल शीट्स के बारे में। ठीक है, गूगल शीट्स क्या होती है, उस पर हम लोग किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो जानते हैं पहले कि जो एमएस ऑफिस है वो ज़्यादातर मार्केट, ठीक है, बिजनेस है, मार्केटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एमएस ऑफिस है उसके जो पॉपुलर प्रोग्राम्स है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, एमएस आउटलुक है इसमें। ठीक है, तो ये आपके जो बिजनेस मैंस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, बिजनेस में यूज़ करा जाता है, और होम यूजर्स के लिए भी बहुत ही आसान होता है यूज़ करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, गूगल शीट्स। ठीक है, तो गूगल शीट्स क्या होती है, जो आपकी गूगल शीट्स है इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग गूगल स्प्रेड शीट भी कहते हैं। ठीक है, गूगल शीट्स को इस गूगल स्प्रेड शीट भी कहते हैं। जब आप सभी इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गूगल शीट्स क्या होती है, ये कौन सा नया आपका आ गया। ठीक है, तो गूगल शीट्स क्या होती है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ये गूगल शीट्स को हम किस तरह से ओपन करते हैं, उसमें कैसे काम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल शीट्स, इस पे आप आर्टिकल्स वगैरह है उनके, ठीक है, आप दे सकते हो। तो गूगल शीट्स क्या है पहले हम लोग वो जानते हैं। ठीक, गूगल शीट्स को हम लोग गूगल स्प्रेडशीट कहते हैं। जो आपकी गूगल शीट्स है ये क्या होती है, वेब बेस्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, जो गूगल शीट्स है वो आपके वेब आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसके जरिए हम लोग एमएस एक्सेल की तरह इन शीट्स पे काम करते हैं। जो एमएस एक्सेल जैसे हम सब ने यूज़ किया हो, उसी की तरह ही हम लोग गूगल स्प्रेडशीट पे भी काम करते हैं। इसको एडिट करना और गूगल शीट्स को शेयर भी की जा सकती है। ठीक है, जो आपकी गूगल शीट है यह एक प्रोग्राम है। ठीक है, जी साइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आप गूगल डॉक्स हो गया, गूगल स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। इसमें आप जैसे मार्केटिंग टेबल बनाना, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट को तैयार करना आप उसमें बना सकते हो, मार्केटिंग कैंपेन करना, डेटा है उसको एनालिसिस करके आप सबमिट कर सकते हो, पावर टेबल बना सकते हो। तो इस तरह से इसमें कई तरह के डाटा जो है वो हम लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि और एक बात है कि गूगल शीट्स पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो आपका ऑप्शन है वो फ्री माना जाता है। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का फ्री विकल्प माना जाता है, ऑप्शन है, क्योंकि गूगल शीट्स के जो फीचर्स हैं बिल्कुल एमएस एक्सेल की ही तरह है। ठीक है, जो गूगल शीट्स के फीचर्स हैं वो एमएस एक्सेल की तरह हैं। इसमें काफ़ी एडवांस, बस इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स होते हैं जो कि हम हर एक मार्केटर्स तथा यूजर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। ठीक है, और इसमें ज़रूरी बात यह है कि जो आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसका इस्तेमाल केवल एक यूजर्स नहीं करता है। ठीक है, केवल एक यूजर नहीं करेगा, इसमें मल्टी यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। आप जो गूगल शीट को अन्य, मतलब दूसरे यूजर्स को अगर आप आसानी से शेयर भी कर सकते हो, अगर आप ग्रुप में बैठ के काम करना चाहते हो तो इस एक शीट पे ग्रुप पे भी काम किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि आपकी जो गूगल शीट्स होती है वो ईमेल या फिर किसी अलग ऑप्शंस के थ्रू भेजने की, सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, गूगल शीट्स के गूगल शीट को डेवलप करने के बाद इसमें डेवलप कोलाब्रेशन फंक्शंस इसे अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम से अलग बनाता है। ठीक है, जो नॉर्मल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। इस पर आप जो भी काम करते हो वो क्लाउड पे जाके सेव रहता है। ठीक है, जो भी आपने काम किया हुआ है वो आपका क्लाउड पे सेव होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी, कभी भी और किसी भी जगह पर इंटरनेट डिवाइस के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट हमारा जो भी आप डिवाइस पे यूज़ कर रहे हो उस पे इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से चलाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गूगल शीट्स के बारे में, तो उसको किस तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, और गूगल शीट्स के जो ऑनर हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि गूगल शीट्स का जो ऑनर है वो किसके पास है, प्रेजेंट में हमारा जो ऑनर है वो गूगल ही है। ठीक है, जो स्प्रेडशीट के, गूगल स्प्रेडशीट का ऑनर है वो गूगल ही है, तो इस बात से तो कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन गूगल के जरिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम को, ठीक है, गूगल के जरिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम को नहीं बनाया गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका असल में जो जन्मदाता है, मतलब इसको किसने डेवलप किया हुआ, वो टू वेब टेक्नोलॉजीज थी, जिसने एक वेब आधारित तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप करी थी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं।
वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो गूगल स्प्रेडशीट है उसको किस तरह से ओपन करेंगे, उस पर क्या आप काम करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी आपके उसमें ब्राउज़र पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर आपने जैसे क्लिक किया, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जैसे ओपन किया तो आपने कोई भी एक आईडी ओपन कर ली, जैसे हमने अपनी आईडी ओपन करी, ठीक है, गूगल पे गए, वो आपकी जो ईमेल होती है उससे लिंक होनी चाहिए, ठीक है। गूगल आईडी जो है वो आपकी लिंक होनी चाहिए। अब इसमें देखिए जीमेल इमेजेस के बाद में ये 9 पॉइंट्स आपका आ रहा है, गूगल ऐप्स, ठीक, गूगल ऐप्स शो कर रहा है। जब आप गूगल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म्स आ रहा है, ठीक है, शीट्स आ रही है, शीट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये सब गूगल के हैं। तो इसमें से हमने ड्राइव लिया, ठीक है, जैसे हमने ड्राइव ले लिया, गूगल ड्राइव पे जाएंगे, ठीक है, गूगल ड्राइव पे क्लिक किया आपने। इसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन न्यू आ रहा है, माई ड्राइव अगर आपको जाना है, ठीक, कंप्यूटर्स पे जाना है, जिस पे भी आपको काम करना है, पीडीएफ वगैरह पे सेव करके रखी हुई है, तो हम किस में जाएंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, ठीक है, न्यू पे क्लिक किया आपने यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, गूगल शीट्स, न्यू पे जाके अगर नया चाहिए, माई ड्राइव में गए, यहाँ से हम लोग लेंगे गूगल शीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जब हम लोग गूगल शीट ओपन करेंगे तो देखिए इसमें स्प्रेडशीट आ गई आपकी, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, गूगल शीट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये और भी तरीके से ओपन की जाती है, जैसे आप गूगल पे गए, वहाँ पे आपने शीट डॉट न्यू डाल दिया, वहाँ से आ जाएगी, या गूगल शीट भी आप डाल देते हो, सर्च करते हो तो वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी देखिए आपके रो हैं, कॉलम्स हैं, उसी तरह से हम लोग इस पर काम करेंगे जैसे हम लोग एम एस एक्सेल में काम करते हैं। अब इसमें जैसे कि अगर हमने कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाया, ठीक, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे यहाँ पे, तो आपका देखिए ए से लेके जेड तक इसमें जो है वो कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, ए टू जेड है, और जो रो होंगी वो नॉर्मल आपकी 1 से लेके 1000 तक शो होती है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे अगर हमें बढ़ानी होती है तो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो आपका ये मेन्यू बार आ रहा है, ये टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, आप जैसे वर्ड्स लिखते हैं उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपका डाटा है। तो अगर मान लीजिए कि जेड तक आ रहा है तो इसके बाद हमें और भी रोज़ बढ़ानी है, ठीक है, तो इसी पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वन लेफ्ट आ रहा है, ठीक है, या राइट में इंसर्ट कराना है तो जिधर भी कराना है हमने इंसर्ट वन लेफ्ट कर दिया, ठीक। तो जब आप करेंगे तो देखिए एक और यहाँ पर जो शीट होगी वो इस तरह से यहाँ पे आ गए, ए इस तरह से देखिए शो करने लगी। ये आपको ऑनलाइन ही वर्क करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से करा, इसके बाद हम जब यहाँ पे कर्सर रख के अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो देखिए 1 से जो लास्ट वाला था 1000 वाली रो वो इस तरह से शो होने लगी, ठीक है। अब इसमें अगर आप और भी शीट्स ऐड कराना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, अगर आपको जो शीट्स है वो ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। शीट के साथ डाउन एरो तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, फिर से आपने एरो क्लिक जो एरो की है वो प्रेस किया। अब इसमें जितनी और भी ऐड करानी, जितनी रो और ऐड करानी है वो हम दे सकते हैं। मान लीजिए हमें 2000 और भी रो ऐड करानी है तो 2000 दिया हमने, ठीक है, इसके बाद एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखिए 2000 + 1000 आपका 3000 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से रोज़ हमने इसमें ऐड करा ली। अब इसमें अगर हमें फर्स्ट वाले वन पे जाना है तो हम लोग कौन सी की प्रेस करेंगे टॉप पे जाने के लिए, कंट्रोल के साथ होम की, ठीक है, कंट्रोल के साथ आप कौन सी की प्रेस करेंगे होम, तो कर्सर आपका जो है फर्स्ट रो पे पहुंच जाएगा, ठीक। अब इसमें आप जैसे कोई डाटा है, जैसे हम लोग नॉर्मल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर देके टैब की का यूज़ करेंगे, आप राइट एरो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस का हम लोग इस तरह से यूज़ इसमें कर सकते हैं। जो भी आपका डाटा है वो आप आराम से इसमें दे सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर 1, ठीक है, फिर 2 हुआ, फिर आपने जैसे इन दोनों 3 दे दिया, फिर इनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे हम लोग उस पर करते थे वैसे ही सेलेक्ट करके इसमें जो डाटा है उसको फिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेम है, मान लीजिए हमने कुछ नेम दिए यहाँ पे,
तो देखिए कितना आसान है इसको भी यूज़ करना, और बहुत ही यूज़फुल है, बिकॉज़ ये आप कहीं पे भी अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे आपको कोई काम आ जाए तो आप अपने फ़ोन पे ही निकाल करके उसको यूज़ कर सकते हो, जो भी कैलकुलेशंस है, आप ऑफिस वगैरह का काम भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स में भी काम हो जाता है, हमने आपको पहले ही बताया। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है, आप इसे कहीं पर भी बैठ के आराम से इसमें काम कर सकते हैं, अपने मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जिस पर भी आपको काम करने हैं। तो इस तरह से हमने इस पर जो काम है वो किया। मान लीजिए क्लास हो गया, इसके बाद हमने क्लास पे गए, क्लास दिया, ठीक है, जो भी आपको देनी हो। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है इस पर डेटा को फिट करना, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग उस पर काम करते हैं, तो वैसे जैसे ये आपके जो आ रहे हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट किया, अब आप इनको अपना कलर वलर देना है, या आप इनको बोल्ड करना चाहते हो, जो वर्ड्स लिखे हुए हमने उसको बोल्ड कर दिए। ये जो शीट आ रही है, जो इनको सेलेक्ट किया, इनको आप बोल्ड कर सकते हो। अगर आप कलर देना है, ठीक है, टैब कलर देना है तो कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें अलाइंस देना है कि हॉरिजॉन्टल में रहें, सेंटर पे रहें, तो वो आप दे सकते हो, सेंटर पे हो जाएंगे। ये जो नेम ये लिखे हुए हैं, काउंटिंग करी हुई है, इसको आप अलाइन दे सकते हो, ठीक है, कहाँ पर सेंटर करना है या टॉप करना है। तो ये इन सारे ऑप्शंस का यूज़ हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है, इतना हम इसमें कर लिया। इसमें जैसे आपका जो 12 आ रहा है, ठीक है, इसको आप जैसे सेंटर पे करना चाहते हो, सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन सेंटर। तो देखिए कितना सिंपल है गूगल शीट्स का भी यूज़ करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गूगल शीट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कोई गूगल शीट है, ठीक है, अब इसमें जैसे हमने कोई गूगल शीट ओपन करी, अब इसमें वही सारे ऑप्शंस आते हैं। आप जैसे फाइल पे गए, ओपन, ठीक है, न्यू लेनी है तो न्यू, आपकी जैसे आप स्प्रेडशीट आ रही है, फ्रॉम टैम्पलेट्स, काफ़ी बनी हुई होती हैं, जैसे टैम्पलेट्स पे गए हम, तो इसमें से कोई टैम्पलेट है जो डाउनलोड करना है और हमें एम एस एक्सेल में लेके जाना है, तो वो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से मंथली बजट लिया, ठीक है, ये मंथली बजट लिया, अब इसको क्या करना है, हमें ओपन करना है, ठीक है। तो ये देखिए मंथली बजट इस तरह से ओपन हुआ। तो अब आपको इस पर काम करना है, तो वो भी आप लोग आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। अगर अब हम इसे जो मंथली बजट आ रहा है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो डाउनलोड करके आप अगर एक्सेल में वर्क करना है तो उस पर भी कर सकते हो। डाउनलोड पे जाएंगे, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा होगा, या आप किसी फॉर्मेट पे अपना पीडीएफ वगैरह में डाउनलोड करना चाहते हो, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाके डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो। तो इस तरह से अगर कोई आपकी जो शीट है उसको डाउनलोड करने के लिए हम लोग फाइल पे जाके डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जिसमें ओपन करना है, वहाँ जहाँ पे डाउनलोड करना है उस पे जाके क्लिक करेगा। तो हमने एम एस एक्सेल पे डाउनलोड किया, तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो आपकी फ़ाइल होगी वो एम एस एक्सेल पे ओपन होगी। बहुत ही आसान है इसको भी यूज़ करना है, इसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एम एस एक्सेल ओपन करते हैं, एम एस एक्सेल हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से होता है, इसका भी यूज़ उसी तरह से होता है। अब हमने इसे ओपन कर लिया, ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो शीट है ये देखिए, ठीक है, तो जो एम एस एक्सेल आ रहा था हमारा, ठीक है, हमारा डेस्कटॉप पे जो एम एस एक्सेल पड़ा हुआ है उस पर ये आपकी शीट ओपन हो गई, ये देखिए, ठीक है, पूरा जो आपका टैबलेट था या जो भी आपकी शीट है उसको इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग डाउनलोड करके अपनी एम एस एक्सेल की शीट पे ला सकते हैं। तो देखिए कितना आसान था, ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। बहुत ही आसानी से हमने इसे डाउनलोड कर लिया, अब इसमें आप जो भी काम करना, जैसे इसकी जो मंथली स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, 1000 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका अमाउंट पूरी शीट बनी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे बैलेंस भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो हमने 2000 दे दिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये देखिए जो आपका बैलेंस होगा, ठीक है, इस तरह से शो होगी, इस तरह से पूरी शीट। अब इसमें जैसे ये आपका शो कर रहा है, तो इस तरह से आप इसको जो कॉलम्स हैं वो आप रो वगैरह बढ़ा सकते हैं, तो देखिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आप जैसे ये मंथली ये आ रहा है, तो आप इसमें अपना कुछ आपको बनाना हो, बॉर्डर लगाना है, ठीक है, तो आप यहाँ आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हो,
तो इस तरह से देखिए पूरी पूरी जो शीट होती है वो पूरी की पूरी आप इसमें भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो देखिए इस तरह से पूरा बना करके इसको आप आसानी से सेव करके इस पर आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको अपना डाटा फिल कराना है तो आप इसमें अपना खुद का भी डेटा फिल करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्प्रेडशीट्स पे वर्क करते हैं और उसको डाउनलोड करके आप MS Excel पे भी वर्क कर सकते हो। थैंक यू।